अगर आप भी चाहते हैं हमारी सारी क्लास एक साथ मिले तो आज ही इंस्टॉल करें PVR स्टडी ऐप, प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। हमें फॉलो करें फेसबुक, अनअकैडमी, इंस्टाग्राम पर, संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर और कॉल पर। चलिए देखते हैं पूरी क्लास, और इस क्लास को पूरा एंड तक देखना जिससे कॉन्सेप्ट समझ में आए। गुड मॉर्निंग साथियों, तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग, जित संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। जिसको बात बात हम आपको बताते हैं, जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और एक दिन वो चलना सीख जाता है और हम आपकी तरह ज़िंदगी के मैदान में उतरता है। उस तरह से आप लोग इस मैथ की जो क्लास को देख रहे हैं ना, एक दिन आप भी इसमें मैदान में पहुँच जाएंगे। इस समय आप देख रहे हैं जीरो लेवल मैथ की अपडेट चल रही है, PVR स्टडी की ये क्लास नंबर 75A होगी। कहने का मतलब जीरो लेवल मैथ का जो पहली बैच चली थी उसमें कुछ सिस्टम की समस्या की वजह से क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो उसी क्रम में चलिए आगे चलते हैं, जो कक्षा 8 की मैथ जहाँ तक चली है उसके आगे आपको मिलेगी। थोड़ा सा वेट करिएगा, पेशेंस बनाए रखिए, ठीक ना। चलिए, एक किताब 80 रुपये में खरीदी गई और 60 रुपये में बेच दी गई तो कितना परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी, मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि अगर 60 रुपये में बेची गई और 80 में खरीदी गई थी तो सिंपल सी बात है हानि होगी, नुकसान होगा, है ना। क्योंकि यहाँ कॉस्ट प्राइस यानी कि CP 80 रुपया है जो कि ज़्यादा है, और SP सेलिंग प्राइस 60 रुपया जो कि उससे कम है, लेकिन कितना परसेंट का हान होगी या लाभ होगा ये निकालना है मेन। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे हल। हल में सबसे पहले दिया है, आप देखो दिया क्या क्या है। क्रय मूल्य दिया है, हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं और इंग्लिश में इसको आप CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कितना है? 80 रुपया है। इसका विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य मतलब जानते हो SP यानी कि सेलिंग प्राइस 60 रुपया है, ठीक। निकालना क्या है, कह रहा कितना परसेंट की हानि या लाभ होगा। सिंपल सी बात है कि अगर ये क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय कम है तो इसका मतलब क्या है, नुकसान होगा। तो हानि होगी सभी जानते हैं, लेकिन पहले परसेंटेज नहीं निकालेंगे, पहले तो हमें मालूम होना कितना रुपया की हानि होगी। हानि होगी कितना, 20 रुपया, 20 रुपया का नुकसान हुआ, लेकिन कितना परसेंट नुकसान हुआ, परसेंट निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि इक्वल, हानि मतलब लॉस, वही लिखेंगे लॉस इनटू 100 अपान CP मतलब कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा गया था। तो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, 20 लिख देंगे इनटू 100, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपीज, ये हो गया 80। इसको आप डिवाइड कर लो, ये देखो इसको भी आप काट सकते हो, यहाँ से आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काटते हो। इसको 2 से काट दोगे तो ये 10 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, 2 चौक 8, है ना। इस तरह से अगर यहाँ पर आप देखिए तो ये 10 धाम 100 हो जा रहा है, और ये हो जाएगा नीचे 4 बराबर 25 यानी कि 25%, मतलब 25% का लॉस हुआ। कितने का हुआ, 25% का, क्योंकि 80 में खरीदी गई थी, 80 का 25% कितना है, 20 रुपया है, ठीक। निकाल के देख लेना, 80 का 25% निकालोगे 20 रुपया आएगा, क्योंकि 20 रुपये का लॉस हो रहा था, इसका मतलब 25% का लॉस हो रहा था। अगर 40 रुपये का लॉस होता तो 50% का लॉस होता, मतलब आधा लॉस हो जाता, समझ गए ना। जल्दी से नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है हम आपको नहीं बताएंगे, पहले इसको लिख लो जल्दी से, हो गया, स्क्रीनशॉट निकाल लिया करिए तुरंत। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं, लिखिए जल्दी से तुरंत, देखिए सवाल लिखने में कोताही नहीं करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे अगर पढ़ना है तो। कुछ हमारे ऐसे प्रिय स्टूडेंट हैं जो क्लास को ज्वाइन किए हैं लेकिन वो कभी लिखते नहीं हैं, और फिर कहते हैं हमें आता नहीं समझ में, और कैसे आएगा जी।
और हाँ, अगर अभी तक आपने PVR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आज बोल दे रहा हूँ, अभी तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना जिससे अगली क्लास आपको मिल सके, ठीक ना? ये बोलना जरूरी होता है क्योंकि मैंने देखा है कई बार। अगला सवाल, एक व्यापारी यानी कि मर्चेंट जिसने 10 बैल खरीदे, जिसे हिंदी में बरधा बोलते हैं, और फिर क्या किया, उन्हें बेच दिया। लेकिन खरीदा कितने में था और बेचा कितने में? देखिए, 30,000 रुपया में खरीदा था 10 बैल। अनुमान लगा सकते हो एक बैल कितने का था, और फिर कैसे बेचा उनको, किस स्थिति में? 2,400 रुपया प्रति बैल के हिसाब से बेचा। तो पहले तो लिखो कि उनका CP क्या था और SP क्या था, यानी क्रय और विक्रय मूल्य। लिखिए, हल बैल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, लिख लो इसको शॉर्ट में CP, 30,000 रुपया, देखो लिखा है ना। और उनका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बैल का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब SP, कितना? SP मतलब SP साहब नहीं, सेलिंग प्राइस। देखिए, 2,400 रुपये प्रति बैल के हिसाब से बेचा और 10 बैल थे, तो कितना हो जाएगा, 2,400 × 10, अनुमान लगा सकते हो 24,000। सीधा सीधा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वैसे भी इस समय भारत में मंदी का दौर चल रहा है, अक्टूबर 2019 में, है ना? तो नुकसान ही हो रहा हर जगह। लेकिन कितने का नुकसान हुआ? अब यहाँ पर आप लिखेंगे हानि, हानि मतलब लॉस। सिंपल सी बात है, 24,000 मिला है बेचने पर, 30,000 का खरीदा था, घटा लो सीधा सीधा करके 6,000 आएगा, 6,000 रुपया ना। लेकिन इतने से ही कल्याण नहीं होने वाला, कह रहा कि परसेंटेज में बताओ, तो प्रतिशत निकाल लो। फिर करना क्या है, कर लोगे ना प्रतिशत में? चलिए निकाल देते हैं हानि प्रतिशत। क्या करेंगे, हानि प्रतिशत तो लिख लो, हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लिख लीजिए, हानि परसेंटेज इक्वल हानि इंटू 100 अपान CP। CP मतलब जानते हो, कॉस्ट प्राइस। तो इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, लॉस हो रहा है 6,000 रुपया का, और ये 100 हो गया। नीचे खरीदा कितने में था, 30,000 में, 30,000 का मतलब 4 जीरो लगा दो, बस हो गया। काट दीजिए 3 जीरो से, ये 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दो, 3 से काट दीजिए, 2 आ गया, मतलब कि 2 × 20%। कितने का नुकसान हुआ, 20% का नुकसान हुआ, 20% का लॉस हुआ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं दौड़ के फट से, हो गया ना? देखिए, हमारे मुंह से निकले कि आप तुरंत स्क्रीनशॉट निकाल लें, जिससे टाइम ना लॉस हो, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलें आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है, मतलब अलग सा है। कह रहा कि एक व्यापारी मतलब एक मर्चेंट 15 क्विंटल गेहूं, मतलब जिसकी रोटी बनती है, 480 रुपया प्रति क्विंटल से खरीदा, मतलब 15 किलो खरीदा, 15 किलो नहीं, 15 क्विंटल, 480 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा, और फिर गेहूं में घुन लग गया, जिसके कारण व्यापारी का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, और कितने का हुआ, 12 सही 1/2% का नुकसान हुआ, मतलब 25/2% का नुकसान हुआ, यानी हानि हुई। तो बताओ कि गेहूं का विक्रय मूल्य कितना था, कितने में बेचा, ये बताना है। तो हमने तो देखा नहीं कितने में बेचा ना, मैं गया था हिसाब करते समय, लेकिन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे, पहले तो लिखिए गेहूं का क्रय मूल्य, गेहूं का क्रय मूल्य मतलब कि खरीदा कितने में गया था, उसमें लागत कितनी लगी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो 480 रुपया का 1 क्विंटल खरीदा था, 15 क्विंटल टोटल खरीदा था, गुणा कर लीजिए, 15 जीरो, 15 का पहाड़ा सभी को आता है ना, 15 8 कितना होता है, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120,
ऐसे पढ़ते थे ना बचपन में, याद है? कितना हो जाएगा? 120। तो 120 का हो जाएगा 0, हाफिल कितना आएगा? 12, मतलब 12, और ये 15 चौका 60, 60 और 12 जोड़ोगे हो जाएगा 72। यानी कि कितने का खरीदा था? 7200 का ही मिल गया था क्या? 15 कुंटल, 7200 का। और फिर क्या हो रहा है आगे? आगे ये हो रहा है कि हानि हो रही है। कितना परसेंट की हो रही है? 12 से 1/2%, मतलब कि 25/2% का लॉस हो रहा है। तो हानि बताइए कितने रुपया की हुई? इसके लिए फार्मूला लगा दो सिंपल सा, जैसे हानि परसेंटेज वाला लगाते थे। तो चलिए लगा देते हैं। हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, मतलब सीपी, सीपी इंटू परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस मीन्स प्रतिशत हानि जो आई अभी, और इसको 100 से भाग कर देना है। तो साथियों, क्रय मूल्य हुआ था 7200 रुपया, हानि हुई थी 25/2% की, और ये नीचे 100, हल कर लीजिए, उत्तर आपके सामने आ गया। 7200 का आधा होता है 3600, और ये हो गया फाइनल में, देखो 3600 आया ना। एक लाइन और लिख दे, समझ में आ जा, जिससे गुणा 25 और ये नीचे 100, कितना? 100। आप देखना, इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, सब तो कट गया यार। 36 का 25 में गुणा कर लो, आ गया आंसर। आप जानते हो 25 छक्का 150, हासिल कितना आया? 15, और 25 3 75, 75 5 80 10 90, मतलब 900 रुपया का नुकसान हुआ। जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, तो जीरो लेवल गणित का पहला भाग से देखिए, वहां पर हम ये बताएंगे 90 कैसे लिखा जाता है, काहे आया, क्यों आया, कैसे आया, किस रास्ते से आया, ये सब बताएंगे, ठीक ना? लेकिन ये पहुंच गया है काफी आगे, इस कारण से हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से नहीं उसको समझा रहे हैं कि कैसे आया, क्यों आया, वो उतना आप सीख गए हो, है ना? चलिए फिर अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत बिना कहे हुए। और हाँ, एक बात और, पीबीआर स्टडी को फेसबुक पर अवश्य लाइक कर देना तुरंत जा करके, अभी फट से, बाद में आके देखना, जिससे वहाँ पर आपको फ्री की सारी क्लास उपलब्ध हो सके। फेसबुक पर सारी क्लास होती है, यूट्यूब पर नहीं मिलती सब। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों, बहुत ही आसान सा है ये। कह रहा कि एक कलम को 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। कितने में बेचा जा रहा है? 21 रुपये में। तो कलम का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है, ओ सॉरी, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है। कलम को कितने में खरीदा गया था ये नहीं पता है, लेकिन बेचा जा रहा है 21 में, लाभ मिल रहा है 5%। तो कितने में उसको, एक मिनट समझना फिर से, बेचने पर 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। कुछ सवाल उल्टा लिखा है क्या? इसका क्रय मूल्य होना चाहिए ना। हाँ, क्रय मूल्य बताइए, क्योंकि विक्रय मूल्य तो बेचा जा रहा दिया ही है, वही तो कंफ्यूज कर रहा था ये। ऐसे होना चाहिए क्रय मूल्य, देखिए दिया है, लिख लीजिए दिया है, क्या क्या दिया है? 21 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया है 21 रुपया, लाभ प्रतिशत दिया है 5%। निकालना क्या है? निकालना है हमें क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या करेंगे? देखिए अक्सर जो परसेंटेज का सिस्टम है, 100 पर डिपेंड करता है, हम 100 मान सकते हैं और फिर उस पे आ जाएगा। लिखिए माना कलम का क्रय मूल्य बराबर कितना? 100 रुपया। अगर कलम का क्रय मूल्य यानी कि पेन का जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज हो जाएगा, लाभ कितना मिल रहा है? 5%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा फिर? विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है जितने में खरीदा था, यानी कि क्रय मूल्य और प्लस लाभ, 100 का 5% 5 ही होगा, मतलब 105 रुपया। कुल मिला करके कहने की ये बात है कि जब क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो विक्रय मूल्य कितना था?
105 रुपया है ना। अब क्रय मूल्य हमें निकालना है, आगे देखते जाना। अब यहाँ पर नीचे लिखिए, जब क्रय मूल्य 100 रुपये तो विक्रय मूल्य बराबर 105 रुपये, इसलिए जब क्रय मूल्य चलिए लिखना शुरू करिए, जब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपया, तो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया है ना, ये दिया है। जब विक्रय मूल्य 105 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपये। यहाँ पर आ गए, अगली लाइन में लिख लो, इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तो क्रय मूल्य कितना होगा 105, कितना हो जाएगा 100/105 है ना, कितना हो जाएगा 100/105 रुपया, मतलब समझना। देखो यहाँ पर तो ये क्रय विक्रय मैंने कर लिया, समझ गए आप इतना। जब विक्रय मूल्य 105 रुपये ये आ रहा है तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। अब एक पे निकाल लो, इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तो क्रय मूल्य 100/105। अब आ गया आपका उत्तर, लिखिए, इसलिए जब विक्रय मूल्य 21 रुपया तो क्रय मूल्य बराबर 100/105 × 21। बात समझ में आई, कर लीजिए, इसको काट दीजिए। 7 × 21, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 3 से काट दो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे 100 को 20 आएगा 20 रुपया, मतलब कितना 20 रुपये। यानी कि जो कलम का क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस थी, कितना थी 20 रुपये, कितना 20 रुपीज। तो साथियों ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ना, इसको आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, तुरंत नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। साथियों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी, बिल्कुल। इन्हीं बातों के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक पीवीआर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और हाँ आप प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब पर जाइए पीवीआर स्टडी ढूंढ के प्लेलिस्ट, वहाँ पर 0 लेवल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर कुछ पार्ट्स नहीं उपलब्ध हैं उनके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये गूगल पे, फ़ोनपे और व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ पे करना होगा। बाकी YouTube पे जो भी पार्ट्स उपलब्ध हैं, लगभग ढेर सारे भाग बिल्कुल फ्री में हैं, उसे आप वहीं पर देखिए, कुछ भी नहीं पे करना है, लेकिन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, और हाँ क्लास को लाइक करना, जितनी भी क्लास देखना दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे और भी किसी को फ़ायदा हो सके। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, शुक्रिया फिर से आप सभी को एक बार। चलते चलते फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजकुमार यदुवंशी आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपको क्लास कैसी लगी, अपने विचारों को जरूर कमेंट करें, और वीडियो के समझ में आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इतना करेंगे तो आपका ये सुझाव और फीडबैक हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और हम आपकी बेहतर सहायता कर पाएंगे। शुक्रिया।